Hello everyone, this is Prashant and today here we are going to start our rank booster series part 1. Before that we have already completed our mark booster series, uske andar humne total 30 questions cover up kiye the. Chaliye ab rank booster series ka question number 1 dekhte hain. In this question we can see ki yahan pe bola gaya hai ki ek charge cube hai, use aapne ek cube ke corner pe place kiya hai aur aapse total electric flux pucha gaya hai. तो जब हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू रिप्रेजेंट करता है नेट चार्ज को जो कि किसी सरफेस के अंदर क्लोज हो, लाइक दिस. ओके, इसका आंसर हम लोग सोचते हैं सिंपली बिकॉज क्यू चार्ज है, क्यूब के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. बट यहीं पर ये गलत हो जाता है. क्यों? बिकॉज यहाँ आपने सेंटर पे नहीं प्लेस किया, आपने उसको कॉर्नर पे प्लेस किया है क्यूब के, और क्यूब के कॉर्नर पे प्लेस होने की वजह से जो उसके अंदर नेट चार्ज इंक्लोज होता है वो केवल क्यू बाय 8 होता है, मतलब टोटल चार्ज का केवल 1/8 टाइम्स आपका क्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है. चलिए बताता हूँ कैसे. मान लीजिए अब बिकॉज ये तो एक 2D फिगर है और बेटर है कि अभी आप इसे 2D से समझें. मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, आप इसे क्यूब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये रहा आपका सर्कल, ये सर्कल इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, देखिए कॉर्नर पे, बिकॉज दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है इस पॉइंट पे. इन द सिमिलर वे आप यहाँ क्यूब को देख सकते हैं, ये उसके अंदर स्फेयर बंद है जिसका सेंटर ये है. तो इस सर्कल का केवल कितना पार्ट अंदर जा रहा है, 1/4. क्या आप इसे बोल सकते हैं कि ये इसका सेंटर पे ओवरऑल चार्ज चला गया? नहीं ना, केवल उसका 1/4 पार्ट गया. इन द सिमिलर वे अगर आप अज्यूम करो कि आप एक बड़े से स्फेयर को लेते हो, ठीक है, उसके सेंटर से उसे कॉर्नर पे प्लेस करते हो इस तरीके से, ठीक है, तो आपका केवल कितना चार्ज जाता है, क्यू बाय 8. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉल आयरन पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 280 मिलीग्राम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट. इफ 0.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन पार्टिकल इज ट्रांसफर टू द अनदर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम. हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको दो आयरन पार्टिकल्स दिए गए हैं, उनका मास कितना है, 280 मिलीग्राम, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर माना गया है. फिर बोला गया है कि किसी एक पार्टिकल से 0.1% इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं दूसरे पार्टिकल में, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स. चलिए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से उसका मतलब क्या था. उसने 0.1% बोला है तो पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि उसका 0.1% कितना होता है एक्चुअली, ठीक है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम ज़रा जानते हैं आयरन के बारे में जो यहाँ दिया गया है. आयरन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 56 ग्राम पर मोल. ओके, अब अगर उसका पर मोल का मास 56 ग्राम होता है और आपको 280 मिलीग्राम दिया गया है, तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन मास अपॉन में मोलर मास. तो गिवन मास कितना है, 280 इंटू 10^-3 ग्राम में चेंज करने के लिए, डिवाइडेड बाय 56. ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स. अभी मैं इसे टोटल डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, ताकि हम आगे जाके सॉल्व करें, ठीक है. अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. नेक्स्ट स्टेप, एक मोल के अंदर 6.022 × 10^23 एटम्स होते हैं. आप अपने कन्वीनियंस के लिए इसे 6 × 10^23 भी लेट कर सकते हैं, ठीक है. इससे इस नंबर को 6 × 10^23 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. अब एक स्टेप अभी और आगे जाना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयरन के हर एक एटम के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26. ओके, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उसे फिर से 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसे 6 × 10^23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए टोटल, फिर उसे 26 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड हो गए. अब ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसका केवल 1% आपका ट्रांसफर हुआ है, 0.01%, सॉरी, ठीक है, 0.01%, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, तो 0.01% मतलब कितना, 0.01/100 को मल्टीप्लाई कर दे इस टोटल से. नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही किया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालने के लिए हमने 0.01/100, ओके,
इसको मल्टीप्लाई कर दिया 280 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 56 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 26। ये आपका ओवरऑल इक्वेशन। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7.8 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनडायरेक्टली देखिए आपको कितना पहले तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ी। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने ये इलेक्ट्रॉन्स निकाला क्यों। एक्चुअली ये क्वेश्चन था आपका क्वांटाइजेशन का टॉपिक का, जो हमने फर्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर ही पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एनी, याद है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, क्यू इक्वल्स टू एनी, जहाँ क्यू था टोटल चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज इक्वल्स टू द चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे 7.8 इंटू 10 की पावर 18। एक चार्ज के, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जो स्पीशीज के ऊपर चार्ज मिला वो कितना मिला, वो हमें मिला 1.2 कूलम। ओके, अब बहुत सिंपल बात है, अगर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चार्ज किया है तो पहली स्पीशीज के ऊपर प्लस 1.2 कूलम का चार्ज आएगा, दूसरी के ऊपर माइनस 1.2 कूलम का चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अगर आपने फोर्स निकालना है तो आप सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.2 इंटू 1.2 अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका जो नेट आंसर आया वो कितना है, 1.3 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन, किसमें, माइनस में। और मैंने अपने कूलम्स लॉ के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जब नेगेटिव साइन होता है तो किसको शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर को। और वैसे भी देख सकते हैं एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आपको बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीन वर्टिक्स के ऊपर तीन चार्ज प्लेस हैं, ये इमेज आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक माइनस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू और एक पे 2q चार्ज है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन उठता है कि डाइपोल कहाँ पर मौजूद है, डाइपोल तो इक्वल और अपोजिट होता है, अगर इन दोनों को लेंगे तो ये अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं, ये भी इक्वल है ठीक है बट अपोजिट नहीं है। सेम केस यहाँ पे भी हुआ, तो पहली बात तो हमें डाइपोल ही नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। चलिए नीचे वाली फिगर में देखते हैं। अब इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं अगर मैं इस टोटल 2q चार्ज को दो पार्ट में सेपरेट कर दूं, प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द डाइपोल। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ जारी होगी। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो मैंने P1 से शो किया, इसका उस तरफ जा रहा होगा ठीक है, देख सकते हैं। इसको हमने P2 से मेंशन किया। अब बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, तो इस साइड भी कितना एंगल बना रहा होगा, 60 डिग्री। चलिए अब हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है P1 और P2 का। तो भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ, डाइपोल मोमेंट पे जो भी चार्ज हो आइदर चार्ज इंटू में लेंथ, ठीक है लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज इंटू में लेंथ, इनकी लेंथ कितनी है एल, तो क्यू इंटू में एल। P1 भी यही हुआ और P2 भी सेम यही था, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल आया, तो हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। इसको लेट करते हैं एक तीसरे टर्म के बराबर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 और इसे लेट करते हैं एक तीसरे टर्म के बराबर जो कि है QL। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये देखिए रिजल्टेंट सॉल्व करें। P2 को मैंने P मान लिया, ये देखिए P2 इधर ही था उसको मैंने P मान लिया, P1 को भी P मान लिया। अब इनका रिजल्टेंट इनके बीच में बन रहा होगा, और रिजल्टेंट निकालने के लिए अब मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A क्या है मेरा P स्क्वायर, B भी P स्क्वायर, सारे के सारे बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गया 2P स्क्वायर cos 60। ओके, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इस 2 से ये 2 कटा, 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अंडर रूट 3P स्क्वायर
अंडर रूट से पी का होल ये स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, अंडर रूट 3 पी, और पी की वैल्यू कितनी है, क्यू एल। तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आया एक्चुअली में, अंडर रूट 3 क्यू एल। क्वेश्चन नंबर 4, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द नेट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक क्यू चार्ज है, इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों पार्ट पे मैक्सिमम क्या चार्ज होगा कि इनके बीच का फोर्स मैक्स हो जाए, मैक्सिमम हो, ठीक है, मतलब इन दोनों का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्यू चार्ज देता हूँ तो दूसरे पे टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू माइनस क्यू। मतलब भाई अगर वो 20 कूलम का ऑब्जेक्ट था, अब एक पे 5 है तो दूसरे पे क्या होगा, 20 माइनस 5 मतलब 15, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब इनके बीच फोर्स के कैसे लिखा जाता है, 1/4πε0 जिसे मैंने k मान लिया है, q1 into q2 अपॉन में r का स्क्वायर। समझ आ गया सभी लोगों को। अब हमें बोला गया है कि हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है q इंटू में q माइनस क्यू का, ये वाला पार्ट ये मैक्सिमम हो। क्यों भाई, क्योंकि बचे हुए दोनों टर्म तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी आप नहीं चेंज कर दे और आप इस कांस्टेंट टर्म को भी नहीं चेंज कर दे, ठीक है। तो आपने इस पूरे प्रोडक्ट को एक टर्म माना वाई, ओके। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कब होगा ये, उसके लिए आप इसके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आएगी उसे जीरो के बराबर रखेंगे, ओके। इससे हमें पता चलेगा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस क्यू चार्ज आपके पास मैक्सिमम फोर्स निकल के आने वाला है। चलिए तो हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करा ज़रा वो समझते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो भैया पता है जैसे 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बचता है, 2 प्लस 2x। उसी तरह यहाँ पे देखो ज़रा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले टर्म में से क्यू गायब हो जाएगा, दूसरे में पावर आगे आ जाएगी माइनस 2q। आई होप क्लियर हुआ। तो ये देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, q माइनस 2q डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। इसको दूसरी साइड भेजा, 2q इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई, कैपिटल क्यू बाय टू। इसका मतलब हमारा फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाय टू। ऐसे में अगर दूसरे चार्ज को देखें, अगर पहले चार्ज को ए मानता तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू बाय टू, और दूसरे पे क्यू माइनस क्यू बाय टू तो वो भी क्यू बाय टू आया। इट मीन्स जब ये चार्ज दो ऑब्जेक्ट्स पे बराबर बराबर डिवाइड होगा, इन दैट केस जो हमारा फोर्स होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू वर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 × 10⁻⁶ kg एंड कैरिंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम। मतलब एक पेंडुलम बॉब दे रखा है जिसका मास 30.7 × 10⁻⁶ kg है और उसके ऊपर टोटल चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम है। उसे आपने एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जिसका मैग्नीट्यूड था 20,000 V/m। यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन ऑन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, कि जिस थ्रेड से ये बंधा हुआ है इसके ऊपर टोटल फोर्स या फिर टेंशन कितना लग रहा होगा। इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है उसका रीजन पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब है। इट मीन्स इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वही इस पर लगने वाला टेंशन होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। बिकॉज ये मास कैरी कर रहा है तो इस पर एम जी फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसे मैं F1 मानता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ मूव करेगा इसके चार्ज की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QE, ठीक है। इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ, तो F2 क्या हुआ, Q × E। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने कैलकुलेट किया F1 को। F1 क्या था, mg, मास इंटू ग्रेविटी, 30.7 × 10⁻⁶ × 9.8। यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 3.3 × 10⁻⁴ N। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से मैंने F2 कैलकुलेट किया,
एफ टू कितना है क्यू ई, चार्ज कितना है 2×10⁻¹ इंटू 2×10⁵, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 20,000। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया कितना आया 4×10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब भैया आपको निकालना क्या है, नेट फोर्स ना, नेट फोर्स कहाँ होगा इन दोनों के बीच में। सॉल्व करने के लिए वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2f1f2 cos थीटा। थीटा कितना होता है इनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। बिल्कुल, इट मीन्स ये पूरा टर्म तो हो गया जीरो, बचा क्या एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। एफ वन की वैल्यू 3×10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस एफ टू की 4×10⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 10⁻⁴ कॉमन आ गया बाहर और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के कितना आएगा 5। ठीक है, तो आपका टोटल फाइनल आंसर क्या आया, 5×10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी गई थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने को कहा गया था, अदरवाइज आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अगर नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए स्टडी करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्लेस किया गया एट डिस्टेंस 1.0 सेंटीमीटर अबाउट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो भाई मिनिमम पॉसिबल कितना चार्ज हो सकता है, एक छोटा सा टर्म है, वही आप लोगों को पता करना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पता लगाना कि मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है किसी चार्ज का। तो इसका आंसर है सिंपली, आप दोनों चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रख दीजिए, बिकॉज जो मिनिमम चार्ज होता है वो किसका होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, इससे ज़्यादा इसे डिवाइड या छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। आप दोनों Q1 और Q2 की जगह ये वैल्यूज पुट करिए और आपको आपके फोर्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।